होता है लाखों करोड़ों के कपड़ों का फिल्मों के बाद। बॉलीवुड का असर आम जनता पर हमेशा से देखा जाता रहा है। हेयर स्टाइल से लेकर कपड़ों तक हर चीज फैंस कॉपी करते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा से लेकर अब तक कुछ नहीं बदला, बस अगर कुछ बदला है तो वह अपने चहेते सितारों के प्रति फैंस की दीवानगी। हर साल बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में बनती हैं और रिलीज होती हैं। कई फिल्में बड़े बजट की होती हैं। जाहिर सी बात है कि फिल्म में यूज होने वाले कॉस्ट्यूम भी काफ़ी महंगे होते हैं। कई बार तो फिल्मों से ज़्यादा उसके कॉस्ट्यूम चर्चा में रहते हैं। कई फिल्मों के कॉस्ट्यूम तो इतने अच्छे होते हैं कि फिल्म हिट हो ना हो, लेकिन फिल्मी सितारों के कपड़े जरूर हिट हो जाते हैं। कभी सोचा है कि आखिर जिन फिल्मी कपड़ों की दीवानगी हमारे सिर चढ़कर बोलती है, क्या होता है लाखों करोड़ों के कपड़ों का फिल्मों के बाद? यह जानकर आपको हैरानी होगी कि फिल्मों में यूज होने वाले लाखों करोड़ों रुपए के कॉस्ट्यूम एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिए जाते हैं। सुनने में आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन हकीकत यही है। स्टार्स द्वारा इन कपड़ों को पहनने के बाद इन्हें ट्रंक में बंद करके रख दिया जाता है। प्रोडक्शन हाउस कपड़ों पर फिल्म के नाम का लेबल लगाते हैं और फिर उन्हें भूल जाते हैं। इनमें से कुछ ड्रेस ऐसी भी होती हैं जिन्हें बाद में उसी प्रोडक्शन हाउस के जूनियर आर्टिस्ट मिक्स मैच कर दूसरी फिल्मों में इस्तेमाल करते हैं। इन कपड़ों को पूरे कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल किया जाता है, जिससे दर्शकों को इस बात का पता ना चले कि ये कपड़े पहले भी इस्तेमाल किए जा चुके हैं। ऐश्वर्या राय ने जो कॉस्ट्यूम कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना में पहनी हुई है, वही कॉस्ट्यूम बैंड बाजा बारात के बैकग्राउंड डांसर ने भी पहनी हुई है, लेकिन इस बात को आज तक कोई नोटिस नहीं कर पाया। वैसे सभी कपड़ों को प्रोडक्शन हाउस की पेटी में बंद नहीं किया जाता। कभी कभी कुछ सितारे इन कपड़ों को अपने पास भी रख लेते हैं। वो भले ही इन कपड़ों को सार्वजनिक स्थलों पर ना इस्तेमाल करें, लेकिन सुनहरी यादों के तौर पर वह इन्हें अपने पास सहज कर रख लेते हैं। कई बॉलीवुड कलाकार ऐसे भी हैं जो अपने किरदार को पर्सनल टच देने के लिए अपने खुद के कपड़े इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। रजनीकांत और ऐश्वर्या राय ने रोबोट फिल्म में पहने अपने कपड़ों को एक एनजीओ के फंड के लिए नीलाम कर दिया था। लगान में आमिर खान द्वारा इस्तेमाल किए गए बैट को भी 1,56,000 रुपए में बेच दिया गया था। वहीं फिल्म मुझसे शादी करोगी के गाने जीने के हैं चार दिन में डांस करते हुए सलमान ने जिस तौलिए का इस्तेमाल किया था उसे 1,42,000 रुपए में नीलाम कर दिया गया था। इस तौलिए की ऑनलाइन नीलामी से मिले पैसों को एनजीओ को दे दिया गया। तो दोस्तों, बॉलीवुड और टीवी सीरियल से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24x7।